कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज अभी हम निकल रहे हैं बाहर, और कहाँ जा रहे हैं आपको हम बाहर जाके ही दिखाएंगे। कहाँ जा रही हैं तो मुझे भी अभी नहीं पता है, तो चलते हैं, जहाँ भी जाएंगे आपको हम दिखाएंगे। हम लोग निकल पड़े हैं बाहर, तो और कहाँ जा रही हैं आपको दिखाएंगे वहाँ पहुँच के। रास्ते ही नहीं है, तो बहुत बुरा हाल है गर्मी से। बोलना चाहते हैं गर्मी के बारे में, क्या बोलेंगे? अब तो बहुत खराब हो रहा है गर्मी से, बहुत ज़्यादा ही। 43-44 का टेम्परेचर है, लेकिन फील कर रहा है साला 47-48 फील कर रहा है। बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। पसीना आता है? पसीना नहीं आता है, ठीक है, गर्म हवा लगती जाती है। सही कोई बात नहीं, आप यहाँ पढ़ना पीना ठीक हो जाता है। अगर यहाँ तो थोड़ी आप पसीने ज़्यादा जा रहे हैं, उससे ज़्यादा आदमी की हाल हो जाता है, ऐसा लगता है बेहोश हो जाएगा। पहुँचना था वहाँ पहुँच चुके हैं और आए हैं यहाँ पर हम लोग। पहुँच चुके हैं तो अभी अंदर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो उसे ही खाने आए हम यहाँ पर। निकलने से पहले मूड खराब हो जाता है इनका, पसीने ही इतना आएगा तो आदमी को क्या लाइफ होगा। पहले यहाँ देखते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये है, पहले यहाँ देखते हैं इडली में क्या है, नया है ये इडली को, तो देखते हैं इसे, पहले चेक करते हैं कैसा है, ज़रूरी है चेक करना। और उसके बाद फिर दूसरा एक और है, वो भी यहीं पास में है, उसको भी ट्राई करते हैं, देखते हैं। जहाँ हम जा रहे हैं तो वहीं आ गए यहाँ इसको देखते हैं। हाँ बोला, देखा जाए क्या है। बाहर खड़े हुए हैं, भीड़ बहुत है अंदर में, थोड़ा ये बोलते हैं रुक जाओ थोड़ी देर बाद जाएंगे अंदर, रुक जाओ तो सुनो सुनो रे अभी ऑर्डर दे दो बहुत अच्छा है कर चुके बन रहा है, नया खुला है, नया खुला है, हर जगह का खाना चाहिए। नई जगह, मैंने तो बताया आपको, फूड ब्लॉगर तो है नहीं हम लोग, खाने की क्वालिटी के बारे में बात करें, मगर यह नई जगह खुली है, अच्छी है, तो देखिए तुम आए थे इस तरफ तो खुल गया। एक ये है और एक और भी कुछ है, वो भी दिखाऊंगा आपको, अगर मौका लगा तो आज ही दिखाऊंगा, नहीं तो फिर। तो ये अच्छा जॉइंट है, साउथ इंडियन जॉइंट मिल गया अच्छा। इन लोगों का मेरा ख्याल है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर है, हाँ इडली गो करके है, वो दिल्ली एयरपोर्ट पर है और शायद बॉम्बे एयरपोर्ट पर है, बॉम्बे एयरपोर्ट पर ये कलकत्ता मेरे ख्याल है, शहर में आस्ते आस्ते इंटर कर रहे हैं, शहर में नहीं अब ये लोग इंटर कर रहे हैं शहर, पर अच्छा होगा खाना तो चलेगा, क्योंकि थोड़ी चीज़ को पसंद है। चल रहा है, भीड़ है, चलना का है, बस चलने वाले का जिसका चल जाए। डोसा आ चुका है, आप क्या मंगाए भी हैं? उत्तपम मंगाया, वही सब कुछ चटनी का मज़ा अलग है, सांभर का भी मज़ा अलग है, अंदर के आलू को कैसे मज़ा ये नहीं पता, तो ऐसे खा रही हूँ आलू बताओ ज़्यादातर हम लोग
हमारा बंदा ही वही है। आलू का अलग होता है, चटनी अच्छी है, चटनी अच्छी। अलग तरह का टेस्ट है, मतलब जनरली उत्तपम में क्या होता है समझ में आता है पक्का हुआ, उसमें क्या है कि अलग तरह का है, थोड़ा सा कच्चा है अंदर में। अब कलकत्ते में भी अब इस तरह के ज्वाइंट होते जा रहे हैं, पर आदमी इस तरह से थोड़ा सा फास्ट फूड या फिर इंडियन डिशेज को इन्जॉय कर सकते हैं छोटी जगह में। आज भी तो देखा मैं, आज तो देखा मैं, जैसे कि बताया है हालांकि दो ऐसी लगी हुई है, देखिए मेरे पीछे देखे होंगे, उसके बाद भी ठंडक नहीं है, मुझे पसीना आता है गर्मी का, ठंडक नहीं है। हालत यह है कि रात में 4 बजे मैंने आप खुली तो अर्बन क्लैब वाले को मैंने कल मैसेज किया, मतलब बुकिंग किया है कुछ एसी साफ करने के लिए और गैस को चेक करने के लिए, और उसके लिए उससे बोला कि 1000 रुपये जमा कर सकते, तो मैंने 1000 रुपये रात में 4 बजे। अब इसी से अंदाज लगाइए कि क्या गर्मी है कलकत्ते में, कि 4 बजे उठ के भी अगर कोई ख्याल आ रहा है तो इसी का ही आ रहा है। और वो आना नहीं मांग रहा था वो, था तो आए तो फिर हालांकि मेरे हिसाब से वो जनरल अच्छा एसी होता है, मेरे पर डेकिन लगा हुआ है, अगर आप लोगों के किसी के यहाँ लगा हुआ है वो जनरल तो मुझे पता है कैसा है, मैंने सुना है कि बेस्ट होता है, पढ़ा है मैंने जितना मैंने देखा, तो ये सुनना है कि वो जनरल और वो उल्टा सब मिल करते हैं वो चेंज करके देखने लगा है। सबसे अच्छा था हमारा वॉल्टार, बहुत ही अच्छा था, अभी ये दो ऐसी ले चुके हैं, उसके बाद भी कोई ठंडक नहीं है वॉल्टार, बहुत अब उल्टा साथ भी चल रहा है, मैंने सबसे ज़्यादा हमने वही चलाया, 10 साल से ऊपर चलाया है उल्टा साथ, सैमसंग चलाया हमने 5 साल, वो डेकिन समझिए कब 3 साल से वो है, वो खा लगे मैंने ले लिया, अच्छा है बहुत मज़ेदार। मैं खाती थी ड्रॉइंग पसंद आया हम लोग, साफ सुथरा है, फैमिली वाले भी हैं, जगह बहुत छोटी है, छोटी है टेक्नोलॉजी है, तो लगता है जैसे जगह बड़ी हो जाएगी जल्दी, क्योंकि खाना अगर अच्छा होगा और ऑर्डर करने लेके जा रहे हैं, प्रोफेशनल ही था वो, बाहर जाने के लिए आप ले लो खाने में थोड़ी कमज़ोर हूँ, बस डोसा ही होता है रानी बोलती, पर डोसा इतनी सबसे पसंद, मैं खा सकती हूँ डोसा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना शौक से तो मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश के लोग डोसा नहीं खाते, मैं खा देती हूँ डोसा शौक से, एक ठीक होता है, इसलिए तो मैं कभी खाती हूँ, हाँ डोसा मिला है, मैं जाती हूँ तो मैं डोसा ही खाती हूँ। कमाल ही है, मतलब सपोज करो हम लोग कहीं जा रहे हैं गाड़ी में और कहीं ठेला दिख जाता है जिसमें डोसा बिक रहा है, तो बस वो रुक कर डोसा खाना है, ऐसा जैसे वो ड्रग सोचते ना, उनको ड्रग देख करके या सुन कर तो खाली मानती है, तो वो है
कोलकाता भी जाते हैं तो वहाँ भी दो तीन बार डोसा होना है, तो घर पे वहाँ तो आकर के देते हैं रास्ते पर, वो भी ठीक है, घर की क्वालिटी के साथ अच्छा देते हैं, सस्ता भी है और क्वालिटी भी बाकी उनकी भतीजी यानी मेरे भाई के बच्चे बहुत शौक से खाती है, अंकल रोकिए अंकल रोकिए, बच्चे जो है उसके पीछे खासकर वो छोटी वाली सबसे छोटी है, हर चीज़ को रोकेगी, वो डोसा वाले को रोक देगी, आइसक्रीम वाले को रोक देगी, बच्चे अच्छा पसंद आया, ज्वाइंट छोटी जगह है मगर साफ सुथरा है, अच्छा है, क्योंकि मुझे तो ठीक लगा, चल उनको कैसा लगा बताएंगे, तो हम लोगों ने खा लिया है यहाँ से, एड्रेस आपको बताया जाएगा तो ये है दरगाह रोड में डॉन बॉस्को स्कूल के जस्ट पहले जो गली है उसके अंदर, नाम है इडली को हम बाहर से दिखा देंगे, अगर आप कलकत्ते में रहते हैं तो ज़रूर आइए, अच्छा है, साफ़ सुथरा है, कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं है, लेकिन अच्छा लगा तो हमने आपको बताया, अच्छा नहीं लगता तो ये आपको ज़रूर अपना एक जस्टिफाइड ओपिनियन ज़रूर देंगे, तो ये इसको पसंद आया, ठीक है बाहर निकलते हैं, बाहर थोड़ी बात करते हैं फिर चलते हैं, खा लिया है अब जा रहे हैं यहाँ से, अंदर में बहुत भीड़ थी तो अंदर का ज़्यादा हमने बनाया नहीं, यहाँ पर है और इन्होंने एड्रेस आपको बता ही दिया है तो आप आएँ यहाँ पर और खाएँ, अच्छा था यहाँ का इडली भी और उत्तपम किया था, और इन्होंने कॉफ़ी क्या लिया था अच्छा था, जगह तो आपने देख ली, जगह आपने देख ही ली है, उत्तपम लिया था हम लोगों ने और मसाला डोसा लिया था और कोल्ड कॉफ़ी ली थी, कोल्ड कॉफ़ी मुझे लगता है और थोड़ी सी कोल्ड होनी चाहिए, थोड़ी कॉफ़ी जो है वो कोल्ड कम थी तो मज़ा भी कम आया, आप पीते मैं तो हाँ तो और अच्छी बन सकती थी कोल्ड कॉफ़ी, तो उसमें थोड़े मार्क्स कम है लेकिन बाकी मैं फूड ब्लॉगर्स के लिए छोड़ देता हूँ इसमें कंपटीशन नहीं होना चाहिए फूड ब्लॉगर बताएंगे कैसा है, मैंने सिर्फ यही बताया कि और कोल्ड होता तो अच्छा था, अब उसमें क्या मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए ये सब फूड ब्लॉगर्स का काम है, उन पर ही छोड़ देता हूँ, चल आप अगले पड़ाव की तरफ अगर हुआ तो आपको अभी ही दिखाएंगे और नहीं तो फिर अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह। आशिक था, मुझे लगता है अगर उम्र कम होती तो शायद बहुत शादी करते उम्र बहुत गिरती शादी नहीं हो पाई, हाँ उस जमाने में वो मैंने 75 के आसपास था, माधुरी मैंने 28 30 मगर एकदम वो आशिक था, तो फिदा था,
उसके लिए फिल्म बनाती है उसके बट काम ही नहीं बस सबके अपने अपने फैन होते हैं और क्या है। ये पाक सर्कस मैदान है इसी में ममता बनर्जी अवतार पार्टी करती है। अच्छा ये वाली मैदान में होती है अवतार पार्टी पाक सर्कस मैदान ही है ममता बनर्जी यहीं पर अवतार पार्टी करती है। जो तृणमूल कांग्रेस की अवतार पार्टी होती है क्या बोल रहे थे एयरपोर्ट के पास ऐसा क्यों आधा आधा वो यहाँ ले लिए ये वही जगह है जहाँ हमारा डॉक्टर रहा ये वही जगह है गोरा चांद रोड हजरत गोरा चांद के नाम पर है बुजुर्गवार है यहाँ मदार शरीफ की है आगे दिखाऊंगा उन्हीं के नाम पर है जगह का नाम गोरा चांद रोड उनको गोरा चांद बाबा बोलते हैं यहीं रहा करता था वो डॉक्टर भी जो डैडी का इलाज कर रहा था जिसकी गफलत की वजह से मेरी थी यही था ये है मतलब उसी की गफलत से मतलब उसके गलत इलाज की वजह से डैडी की मौत हुई थी फिर कभी बताऊंगा बहुत एक लंबी कहानी है वो क्या हुआ लेकिन फिर वो केस मुकदमा सब हुआ कोर्ट कचहरी हुआ थाना पुलिस हुआ कुछ इन्फ्लुएंशियल आदमी था वो बहुत पैसे वाला डॉक्टर था तो कुछ गुंडा बदमाशी भी करी फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ वो भी उसने करवाया था कहा आराम से बैठ के बताएंगे तभी आप बताते हाँ तो वो एक मामला था मैं कोशिश करूँगा एक दिन घर में जिस दिन बैठूँ तो पूरा इसको डिस्कस करूँ ठीक है तो कैसे उजलत में ना मैं बता पाऊँगा और ना आप समझ पाएंगे कहते हैं कि वो ज़िंदगी का एक ऐसा दुख है जो भर ही नहीं पाया ऐसा जख्म है जो भर नहीं पाया डैडी की मौत एक ऐसा हादसा था जो जिसे उभर नहीं पाया कम से कम अपनी बात तो मैं कर नहीं पाया हूँ बहुत बड़ा हादसा था बहुत बड़ा हादसा है आप नहीं उभर पाए तो आपके भाई बहन भी नहीं उभर पाएंगे ऐसी चीज़ होती है कि कोई भी उभर नहीं पाता हाँ कोई हादसा था एक होता है ना मतलब एक नेचुरल मौत होती है कि आदमी बीमार रहता है या आदमी बीमार है और उसका इंतकाल हो जाता है तो समझ में आता है लेकिन इकट्ठा कट्ठा आदमी और चल कर अस्पताल जाए और दो महीने अस्पताल में रहने के बाद थोड़ा थोड़ा तिल तिल करके मरे और वो भी किसी की गलती की वजह से किसी के गलत इलाज की वजह से दर्दनाक हादसा होता है अल्लाह ना करे के साथ हो मतलब दोस्त तो खैर बहुत अजीब हो गए दुश्मन के लिए भी मैं नहीं ऐसा चाहूँगा कि उसका भी इस तरह से हो कि वो ऐसी गफलत हो जाए और डॉक्टर की लापरवाही से वो किसी अपने को खो दे बहरहाल फिर बात करूँगा इस पर इंशाअल्लाह तब तक के लिए आपसे सिर्फ इतनी ही विनती है इतनी इल्तिजा है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए हमें अच्छा लगेगा और अगर आपको लगता है कि छुप छुप के ही देखने से अच्छा है कि सब्सक्राइब ना करना पड़े तो एक लाइक कर दीजिए और देखते रहिए कम से कम एक व्यू ही बढ़ रहा है तो अगले ब्लॉग तक अल्लाह हाफिज़ बहुत बहुत शुक्रिया।